रात करनी दूध देने के बहाने घर में प्रवेश किए थे और जो घर की मालकिन लेडीज थी उनको ओवर पावर करते हुए लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। 29 दिसंबर को दीपनगर थाना क्षेत्र के अयोध्या नगर में सुबह सुबह एक डकैती की घटना घटित हुई थी, जिसमें अपराधकर्मी दूध देने के बहाने घर में प्रवेश किए थे और जो घर की मालकिन लेडीज थी उनको ओवर पावर करते हुए लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें कैश, ज्वेलरी और अन्य सामान को लूटा गया था। इस घटना को पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा काफ़ी गंभीरता से लिया गया और एक टीम बनाकर हम लोगों ने इस अज्ञात कांड का त्वरित गति से अनुसंधान प्रारंभ किया गया। उसी कांड का उद्भेदन किया गया है, इसमें घटना में शामिल 5 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ अपराधकर्मी बचे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई चल रही है। इसमें घटना में जो लूटे गए कुल 72,000 रुपये कैश, ज्वेलरीज, बैग, अन्य सामान, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बरामदगी हुई है। कुछ अभियुक्त हैं, उनका आपराधिक इतिहास भी मिला है। अन्य अभियुक्तों का हम लोग अभी पता लगा रहे हैं। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? दीपनगर थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से गिरफ्तारी हुई। फिर उनके निशानदेही पे जो लूटे गए जो सामान हैं उनको बरामद किया गया है। इसमें दीपनगर थाना के पुलिस कर्मी साथ साथ जिला सूचना इकाई के भी पदाधिकारी शामिल थे। इस अज्ञात कांड का 72 घंटे के अंदर उद्भेदन किया गया है। पुलिस इसमें हम लोग काफ़ी गंभीरता से अनुसंधान कर रहे हैं और इसमें हम लोग काफ़ी बारीकी से साक्ष्य का संकलन कर रहे हैं, ताकि हम लोग इसमें साक्ष्य आधारित हम लोग आरोप पत्र समर्पित करें और माननीय न्यायालय में हम लोग विचारण कर सकें। कहाँ के रहने वाले हैं सब अपराधकर्मी? इसी जिले के हैं, जिसमें अधिकांश दीपनगर थाना क्षेत्र ही के हैं। एक अपराधकर्मी बेन थाना के हैं। अन्य जो बचे हैं उसके संबंध में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मास्टर माइंड कौन है सर? इसमें मास्टर माइंड जो है वो राजू कुमार उर्फ सुमित उर्फ बम्भोला है। महत्वपूर्ण यह है कि यह महिला अकेले रहती थी उस मकान में, उनके परिवार के अन्य सदस्य बाहर थे। ये लोग रेकी करता था और चूँकि वो प्रत्येक दिन दूध लेने के बहाने अपना गेट को सवेर में खोलती थी, इन लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया और फाइनली योजना बनाकर वहाँ इस घटना को अंजाम दिया था। सर, कर्नल के घर में भी डकैती हुई थी, क्या उसमें भी इन लोगों की संलिप्तता? ये गिरफ्तार जो अपराधकर्मी है उन लोगों की संलिप्तता के संबंध में अन्य कांडों में हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।